अभी तक आपने सुना या हमने चुपचाप सुन लिया, अभी मैं बोलूंगी आप सुनेगी। और ये मत समझना मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ या किसी चीज की सफाई देने आई हूँ, मैं मेरी बहू को लेके जाने के लिए आई हूँ। देखिए ए हाय, देखना सुनना कुछ नहीं, ध्यान में रख। तेरी बेटी की मेरे बेटे के साथ शादी हुई है, हजारों लोगों के सामने उन्होंने एक दूसरे को माला पहनाई है, ये मेरी बहू है। मैं अर्चु को आपके साथ नहीं भेजूंगी। तेरा चाचा भी भेजेगा। तू कौन होती है? मैं इसकी माँ हूँ। तूने तेरी मनमानी कर ली ना, अब ये मेरी बहू है, जो फैसला लेना है वो मैं लूंगी। हाय, प्लीज मेरी बात सुनो, शांति से बात। शांति गई तेल लगाने। हम सुनते हैं ये सर पे डांस करने लगी। देख यहाँ से बारात निकलेगी, वो भी बहू को साथ लेके निकलेगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तू मेरे से मत उलझ। तेरी प्रॉब्लम क्या है बता ना? तेरा पति भी तो जानता था हमारे बारे में सब कुछ, फिर हम कहाँ झूठे हैं? फिर तू क्यों इतने नखरे करती है? दादा प्लीज आप बीच में मत बोलना। आप बहुत सीधे हैं, लेकिन ये टेढ़ी औरत के लिए मेरे जैसे ही औरत चाहिए। अरे अनाप शनाप बकती है, बेइज्जत करती है। बेइज्जती तो उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। मैं मानती हूँ कि मेरे पति ने मुझसे सच्चाई छुपाई, लेकिन वो सच्चाई सिर्फ मानव के बारे में थी। आपकी नियत तो उन्हें पता ही नहीं थी। आपका वो बेवड़ा पति और वो गुंडा मवाली बेटा। खबरदार अगर मेरे पति और बेटे के बारे में कुछ बात कही तो। तेरा भी पति कुछ दूध का धुला हुआ नहीं है, वो भी तो झूठा है, तो तू क्यों इतने सच्चाई के झंडे गाड़ने जा रही है? देखिए आप ए आई के चमचे, माँ की तरफदारी बस कर, हम क्या रास्ते पे पड़े हैं क्या? जो भी आता है हमें सिखाता है। आज मैं देखती हूँ ना कौन रोकता है मुझे बहू को लेके जाने में। मेरी बेटी आपके घर नहीं जाएगी, हर हालत में नहीं जाएगी। सुलोचना नहीं, मैं इसके आगे किसी की नहीं सुनना चाहती हूँ। मैंने कह दिया तो बस कह दिया। इतनी अकड़ ठीक नहीं है, तू ध्यान में रख। तेरी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ हुई है। सविता रुको, लड़की वालों को अगर हम पर भरोसा नहीं है तो बात आगे बढ़ाने में कोई मतलब नहीं है। इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए हमें यहाँ से जाना चाहिए। दादा सविता, हमारे यहाँ दामाद को कितनी इज्जत दी जाती है, यहाँ हमारी बेइज्जती हुई है। देख लूंगी मैं तुझे। तू ये शादी मानती नहीं ना तो रख अपनी बेटी को अपने साथ। मैं भूलूंगी नहीं।